पाकिस्तान के अंदर घुसकर तहलका मचाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान बहुत ही जल्द अपनी फ्लाइंग ड्यूटी पर लौट सकते हैं। हालांकि अभी तक विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान कब अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फ्लाइंग ड्यूटी पर लौटने से पहले अभिनंदन को मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। अभिनंदन को अभी हाल ही में कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट पास किए जाने के बाद फिट साबित किया गया था। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने उन्हें वीर चक्र के लिए नामित किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र देने की औपचारिक घोषणा 15 अगस्त से पहले की जा सकती है। भारतीय वायुसेना के जवान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को उनके अदम्य साहस के लिए भारत सरकार की ओर से वीर चक्र दिया जा सकता है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण किया था, जिसको भारतीय वायुसेना ने असफल कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के 24 लड़ाकू विमान आए थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के शौर्य के आगे नहीं टिक पाए। उन्होंने पाकिस्तान के विमानों को खदेड़ दिया, लेकिन इजेक्ट करने के बाद अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में लैंड हुए थे और पाकिस्तान सैनिकों ने अभिनंदन को पकड़ लिया था। इसके बाद भारत ने कूटनीतिक तरीके से 1 मार्च को उन्हें छुड़ा लिया था। इजेक्ट करने की वजह से अभिनंदन की फ्लाइंग ड्यूटी पर रोक लगा दी गई थी। पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों का पीछा करते हुए अभिनंदन वर्धमान ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान के F-16 विमान की धज्जियां उड़ा दी। वहीं इस हमले में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 भी हादसे का शिकार हो गया था। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए थे। विंग कमांडर अभिनंदन करीब 60 घंटे पाकिस्तान में रहे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के दबावों के चलते पाकिस्तान उन्हें वापस भेजने पर मजबूर हो गया। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसका बदला भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया था। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाकर बर्बाद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।